एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ का सेवेंथ पार्ट बता रही हूँ। का हो गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ ना, जल्दी जल्दी बोलो। 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta। कठिन क्वेश्चन नहीं, सिर्फ एक बार ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। इक्वल टू 10 theta, ठीक। यहाँ पर भी साइन थीटा, यहाँ साइन क्यूब थीटा है, मतलब साइन थीटा का होल क्यूब लिखा है। ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकल सकता है और नीचे से कॉस थीटा, ठीक है। शुरू कर रहे हैं। टेकिंग LHS, साइन थीटा कॉमन लिया, ऊपर से अंदर बचा 1 minus 2 sin square theta, ठीक है ना, समझ में आया। अपॉन इसमें से कॉस थीटा कॉमन लिया, कितना बचा, 2 cos square theta minus 1। तुम्हें कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। देखो, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 minus cos square theta, ये समझ में आता है कैसे? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उससे हम क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, 1 minus cos square theta। बढ़िया, अब क्या बचा, यहाँ पे वैल्यू को रख दिया जाए उठा के, तो लिख रहे हैं साइन थीटा 1 minus 2 times क्या, ब्रैकेट के अंदर 1 minus cos square theta, कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 2 cos square theta minus 1, ठीक। अगले स्टेप को देखो, साइन थीटा इसको ओपन कर रहे हैं, 1 minus 2 into 1 minus 2, समझ में आया ना, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके हो गया प्लस 2 cos square theta अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट के अंदर 2 cos square theta minus, 1 minus 2 सॉल्व होके क्या हुआ, -1। इसको लिख सकते हैं साइन थीटा 2 cos square theta minus 1 अपॉन कॉस थीटा 2 cos square theta minus, ऊपर नीचे कैंसिल आउट, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 10 theta, दिस इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ठीक। ओके, एट्थ क्वेश्चन देखा जाए। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 7 plus 10 square a प्लस कॉट स्क्वायर ए। अरे बाप रे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या करा जाए। नहीं, इतना कठिन नहीं है, नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, जो कर सकते हैं वो करना चालू करेंगे, ठीक है, अपने आप देखिएगा होने लग जाएगा। टेकिंग LHS, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, क्या बना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए प्लस 2 sin a into cosec a, ठीक। अगला देखो, कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 cos a into sec a, ऐसे करके एरो लगाते चलेंगे। साइन स्क्वायर ए, ये देखो साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हुआ है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या है फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, प्लस और तो कुछ नहीं हो सकता। चलो, कॉसेक स्क्वायर ए के लिए फॉर्मूला है हमारे पास 1 plus cot square a, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते कॉसेक स्क्वायर ए की जगह, ठीक, प्लस 2 times ये लिखा साइन ए, कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, 1 upon sin a, लिख सकते हैं, दिस इज 1 not l, साइन ए कैंसिल हो गया, ये वैल्यू हो गई 2, प्लस कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 plus tan square a प्लस 2 times cos a into 1 upon cos a, कैंसल आउट, ये वैल्यू आई 1
प्लस वन प्लस टू प्लस वन प्लस टू प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर, दो चार छ पाँच सात, सेवन प्लस कॉट स्क्वायर है आंसर. दिस इज इक्वल टू आर एच एस एंड प्रूव्ड. ठीक करिए, पड़ेगा रटना क्या पड़ेगा, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है वो थोड़ा सा रटना है. क्वेश्चन है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन इक्वल टू, प्रूव करो कॉसेक ए प्लस कॉट ए. ठीक, ये क्वेश्चन को दो या तीन तरीके से अटेम्प्ट किया जा सकता है. मैं पहला अटेम्प्ट करूँगी बिल्कुल जैसे आपकी किताब में एग्जांपल दिया उस तरीके से, और वही तरीके से आपको भी क्योंकि करना है. ठीक है, तो आगे इसमें लिखा हुआ यूजिंग द आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी का कह रहे हैं इस्तेमाल करो, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर ए. थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए इसको थोड़ा सा शिफ्ट करती हूँ, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे कहाँ मैं क्या कर रही हूँ. कह रहे हैं इसको यूज़ करके प्रूव करो, ध्यान से देखना मैं क्या कर रही हूँ. सिंपल मैनिपुलेशन से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, दिस इज इक्वल टू वन. ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए एक ब्रैकेट में, दूसरे में कॉसेक ए प्लस कॉट ए लिख सकते हैं ना, दिस इज इक्वल टू वन. देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम टू सेम लिखिए, तो क्या हम कह सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, या बिना ब्रैकेट के भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वन अपॉन कॉसेक ए माइनस कॉट ए. कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? बढ़िया, अब अटेम्प्ट किया जाए क्वेश्चन को. अटेम्प्ट कर रहे हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, ये लिखा हुआ है, हमने एल एच एस को ले लिया. अभी हमको पता नहीं कैसे करना है, अभी हम किताब में भी नहीं देख रहे हैं कि कैसे किया है. ठीक है, उसमें एक वैल्यू लेकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने का तरीका है. ठीक है, चलो हम इसको थोड़ा सा सोचते हैं, ये पता नहीं कैसे अटेम्प्ट होगा और उस तरीके से अटेम्प्ट करना शुरू करें. तो हमें करना क्या है, हम सोच रहे हैं अच्छा तो कॉट बन जाए कॉसेक बन जाए ये हमको चाहिए. तो हम क्या कर सकते हैं, अगर इसको ऊपर हम साइन ए से डिवाइड कर दें, किससे डिवाइड कर दें, साइन ए से डिवाइड कर दें, ऊपर भी और नीचे भी, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इक्वेशन में? जो एक्सप्रेशन है अगर हमारे पास लिखा है चार बटा चार, इसको फोर को टू से डिवाइड कर दो और अपॉन फोर बाई टू कर दो, तो क्या इक्वेशन में कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्सप्रेशन में. ठीक है, तो अब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो लिखा पहले स्टेप पे कॉस ए अपॉन साइन ए, हमें नहीं पता है कि इससे आंसर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, हम सिर्फ कर रहे हैं. ठीक है, मैंने आपको बताया दो तीन तरीके इसमें अटेम्प्ट किए जा सकते हैं, तो हम अटेम्प्ट कर रहे हैं. हो सकता है हम अटक जाएं, ये अटकना बहुत ज़रूरी है, अटकेंगे नहीं तो ये नहीं याद रहेगा कि कहाँ अटक रहे थे, कहाँ गड़बड़ हो रही थी. ठीक, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए. ये हमने ऐसा किस लिए किया, क्योंकि हमें हिंट दी गई थी कॉसेक और कॉट वाला फॉर्मूला लगा लेना, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ एक कॉस साइन की जगह ना कॉसेक और कॉट बन जाए, तो कुछ शायद फ़ायदा हो जाए. अभी भी हमको पता नहीं कि फ़ायदा होगा कि नहीं फ़ायदा होगा. कॉस ए अपॉन साइन ए क्या हो गया, कॉट ए. साइन ए कैंसिल आउट होके क्या हो गया, माइनस वन. वन अपॉन साइन ए को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक ए माइनस वन. ये समझ में आया क्या किया, माइनस वन को लास्ट में लिख दिया. अपॉन इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए, ये लिख सकते हैं माइनस कॉसेक ए और प्लस वन. यहाँ तक पहुँच गए, अब क्या किया जाए, अब पीछे खोला जाए. एग्जाम्पल नंबर 15,
खोलिए खोलिए किताब थोड़ा सा। देखिए क्या ट्रिक का इस्तेमाल किया गया है। इस ट्रिक को बिल्कुल हूबहू आपको याद रखना है, इसलिए आपको दिखा दी मैंने। दिखा आपको सेम टू सेम कुछ दिखा? अब आप इसके हिसाब से गैस करके बताइए किस चीज़ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जाए। कॉट ए माइनस बस कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ऊपर भी मल्टीप्लाई करो और इसी चीज से नीचे भी मल्टीप्लाई किया। ठीक बढ़िया, यहाँ तक पहुँच गए। अब क्या, अब आगे बढ़ाया जाए इसको। इसके आगे कर लेंगे कि करके दिखा दें? करके दिखा दें, कर लेंगे पक्का। इसको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ये बारी वैल्यूज रखेंगे, कट पटा के सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक, कहिए तो करके दिखा दें, पर कर लेंगे आप मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए बस। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 8.4 ख़त्म।